नहीं नहीं निकल रहा है। यूपी चुनाव भी नजदीक है, क्या प्लान है किसानों का यूपी में? यूपी में यहाँ 8 महीने से किसान बैठे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है, लेकिन अभी इलेक्शन यूपी का नजदीक आएगा, सन 2022 में होने वाला है। किसान मजदूर ये सोच रहे हैं कि अब की योगी जी को हराना है। अगर ये हमारे किसान और मजदूरों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। वो तो कह रहे किसान ही ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश, किसान है ऐसी बिल्कुल नहीं सरकार है। हम क्या जाने, वो तो एक साधु है। क्या कभी उत्तर प्रदेश गया? कभी नहीं गया, उत्तर प्रदेश के ही है, गोरखनाथ के मानते हो तो। कभी गया है उत्तर प्रदेश में देखने गाँव में हम महिलाओं की क्या? मोदी जी की, मोदी वो जीते हुए वो योगी 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 बैठा है जो साधु महात्मा उसकी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम किसानों को योगी जी ने एक तकलीफ सबसे ज्यादा दिए हैं, जो जानवर छुट्टा कराए हैं, बूचड़ खाना बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं, उसमें किसान की फसल जा रही है और रुक गया है ना, खुश होना और किसान की फसल जा रही है और किसान भूखा मर रहा है, और किसान की जो कमाई थी, जो हम लोगों की कमाई थी, उसका एक बछड़ा हम करीब करीब बहुत कम बेचते थे 5,000 का, वो हमारी पूंजी चली गई है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, तो हम नहीं चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा फिर गौ हत्या की बात कर रही है तो गौ रक्षा दल बन रहे थे सरकार। मैं मानती हूँ कि ये गौ हत्या बंद करवाया, अच्छा काम किया, लेकिन इसके लिए इसके पास वो तो नहीं, भिखमंगा तो नहीं है, कहीं गौशाला बनवा दे, कहीं पंडाल कर लगवा दे, चारे फट्टे की व्यवस्था करा दे, तब मैं जानू ये योगी बड़ा पुजारी है गौ माता का, बैल बप्पा का। बनाए तो दे रहा है आप लोग दे रहे? अरे उसको दे देगा जिसके पास 2 बीघे खेत है, 2,000 देता है तो 4,000 निकालता है, गैस उज्ज्वला योजना फ्री में मिले ना, गैस नहीं फ्री में मिला, कौन कहता फ्री में मिला? 1,000 का कर दिया, साधु नहीं है वो, सेवादु है, मानते नांगा है वो, सेवादु है क्या, वो साधु है क्या? अरे भैया पूछ, तुम पूछो कुछ नहीं है तो हम उसको कहेंगे मैडम आप को। नहीं दिया था लेकिन ये कमीना हो गया, पता नहीं कैसे वोट दे दी, फिर नहीं दी तो कैसे? हमने नहीं दिया, हमने तो वोट मायावती को दिया था, लेकिन ये कहाँ से आ गया? से आप आती है सीतापुर से आती है ना, सीतापुर में बीजेपी का ही घर रहा है ना, तो आपने नहीं दिया, आपके बहुत सारे लोग हैं सीतापुर से जिन्होंने योगी जी को चुना, पता नहीं है चार सौ बीस है, ये तो बेमान है, सरासर बेमान है, दलाल है, ये जो देश को बेचकर खाने वाला कभी ईमानदारी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। बच्चों की पढ़ाई बंद है, उनको कहीं पढ़ने के नहीं, और योगी जी मोबाइल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कहाँ फ्री दे रहे हैं? हम एक मोबाइल खरीदेंगे ना तो डाटा, हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे जो मोबाइल खरीदेंगे? मोदी जी योगी जी कहते हैं हम किसान निज सम्मान देते हैं 2,000 रुपए, लेकिन किसको देते हैं? अगर हमारे गांव में 500 किसान रहते हैं, 500 किसानों में बहुत देते हैं, तो 100 किसानों को 400 किसान हमारे वैसे पड़े हैं, किस किसान के तक पहुंचता है? और कोई कोई किसान ऐसे पड़े हम देखे अपने क्षेत्र में, एक किस्त पा गए दोबारा उनके खाते पे गया नहीं, वो जितना कमाते हैं उतना फोटो कॉपी में चला जाता है। वो तो कह रहे किसानों का कोई असर नहीं पड़ने वाला, 300 के पार इस बार हो रहा है भाजपा, 300 के पार तो भाजपा हो गई थी, लेकिन अब 3 के पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सच्चाई तो यह है कि माननीय टिकैत जी ने घोषणा भी कर दी कि जिस तरीके से हम दिल्ली के सारे बॉर्डरों को घेरे हुए हैं, चाहे आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, या सिंधु बॉर्डर हो, या टिकरी बॉर्डर हो, इसी तरीके से अब कल से हम लोग जो है लखनऊ के सारे बॉर्डरों को घूमेंगे, लखनऊ की राजधानी को जिस तरीके से दिल्ली की राजधानी हम लोगों ने घेर रखी है, इसी तरीके से हम सारे लोग मिलकर के लखनऊ की राजधानी को घेरेंगे। ये बहन बेटियों से भी हम अपना आग्रह करेंगे। अम्मा ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिला, सबका खाता खुलवाया गया, खुलवाया आपका? लालच नहीं कहियो बनवाएंगे, फिर खाता पर पैसा बटाई तो खाता में 15 लाख आए नहीं आपके? नहीं आए। वो तो 15 लाख आवाज बजा
रहा जी खाता पर 500 जय का खाता पर 500 पड़े रहा वही कमरे चले गए आवे के बजाय। और ये पहले पहले ये नारा लगाता उत्तर प्रदेश में नारा लगाता घर घर मोदी हर हर मोदी घर घर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन अब की बार नारा लगेगा मोदी भगाओ योगी भगाओ जमीन बचाओ किसान बचाओ मजदूर बचाओ। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, योगी जी कह रहे इस बार 300 के पार हो रहा है भाजपा, भाजपा चाहे जितना पार हो तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो जो है बहुत झूठी और मक्कार सरकार है। वो तो कह रहे हमसे अच्छा कोई सरकार ही नहीं है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। वो जो कहता है वो कहता है कि मैं विकास करूंगा, वो विकास नहीं कर रहा, वो किसान का नाश कर रहा है, वो बहिरा है, ठीक, वो बहरी गूंगी अंधी सरकार है ये मोदी, मोदी सरकार। महंत जी हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा के क्या करते हैं, राम मंदिर बनवा के बस घंटा बजाते रहेंगे क्या, वो लड़ुआ है घंटा बजाते रहे। पढ़ाई की बात की कि मोबाइल मोदी जी कह रहे हैं कि आप बच्चे मोबाइल से पढ़ाएं, किसी के किसी आदमी गरीब है उसके पास एक भी पैसा नहीं है तो वो 20,000 का मोबाइल ले पाएगा, वो 20,000 का मोबाइल ले पाएगा, अपने खुद के खाने का ठिकाना नहीं है तो वो 20,000 का मोबाइल ले पाएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। सरकार में पुलिस की गुंडा राज, तहसील प्रशासन की गुंडा राज, जो राजस्व विभाग है या शासन प्रशासन है सब में गुंडा राज चल रही, खुला जो है खुला घूस चल रही है। वो लोग कह रहे हैं कि गुंडा तो भाग गए उत्तर प्रदेश से, योगी जी क्या है, गौचारा बिका जा रहा है, ठीक, गौचारा बिका जा रहा है, आज भू माफिया उपजे जा रहे हैं, किसान बेचारा धरती में घुसा जा रहा है, रोड पे करा हुआ। योगी जी तो अच्छे है ना, उनके पास तो बाल बच्चा नहीं है, ना योगी के बाल बच्चा है ना तो मोदी के पास, दोनों लड़ुआ सरकार है, दोनों लड़ुए हैं। मोदी अपने मन बीबी की मन की बात नहीं समझा तो वो जनता की क्या मन, अरे देश के लिए छोड़ दिया बीबी, नहीं नहीं हम लोग तो वोट नहीं दिए, हम लोग को नहीं दिए वोट, वो बेईमानी से जीता हमेशा बेईमानी से जीता रहेगा। जय जवान जय जवान, गाना कौन गाया था इस चीज पे, ये करो करो आप लोगों में से गाना।